अगर मैं प्रदूषण रोकने के लिए किसानों को गौठान में पैरादान करने के लिए प्रेरित किया करा है और पैरादान करने वाले किसानों को धान खरीदी में प्राथमिकता देने के आदेश हैं, लेकिन सरकारी अफसर इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनका एक नमूना मुंगेली में सामने आया है, जहां पर बेचने आए किसान को अधिकारी दुत्कार कर भगा रहे हैं। किसान अब कलेक्टर के आदेशों का हवाला देता है तो कर्मचारी का कहना है कि कलेक्टर कौन होता है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जांच कराकर मामले में कार्रवाई की बात कही है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसने पैरादान किया है, फिर भी उसको प्राथमिकता नहीं दी गई है, ऐसा प्रथम एक ऐसा ही पहला मामला है जो मेरे पास आया है। तो मैं तत्काल आज ही निर्देशित करके उनको 2 दिन में आने क्या वाला मतलब हुआ जी? यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा, कलेक्टर लिखे थे, कलेक्टर मैं हूँ। कलेक्टर के द्वारा ये बोला गया था कि जो भी हाँ यहाँ पर पहरा दान करेगा उसको अलग से नहीं होने प्राप्त। वैसे नहीं हाँ हुआ है। हाँ, तो मन तो माने कलेक्टर के आदेश से कोई मतलब नहीं है कैसे? भाई कलेक्टर जब बोले कहाँ हैं कहाँ दिखाया है? सभी जगह लिखा है, पावती दिखा, पावती पावती रखे हमें, पावती हाँ दिया। हाँ पावती हाँ दे दिया हमें, पावती पावती दिया, यही के बोली से रख देखी अगर बात जमा दे, पावती दिखा जमा करे हम डॉक्टर।